अब आपने मुख्य शिक्षक से प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि वो थोड़ा सा पीटी प्रदर्शन एक 3-4 मिनट की आइटम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जिंदगी बेनूरे जो नटके आसरे थे ओ बड़ा मगरूर है जिसनु नहीं विश्वास संतो उस विच फतूर है जन्नत विच जो रुल गया पाया होने जरूर है। सारे संसार अंदर होवे वैर विरोध ना प्यार होवे जेकर बंदा ही बंदे दा बने दारू फिर बंदा ना कोई बीमार होवे। अमन एक ताला होवे बोल वाला हर कोई सचदाई पैरोकार दिला नु दिल नु मेलन लई पुल तैयार करना है ते बचन दे नक्शिया अंदर भर के रंग अमलां दा बचन दे नक्शिया अंदर भर के रंग अमलां दे सपना बच मुर्शद दा असा साकार करना है। बाग सजा है ये उसी माली की मेहनत का नतीजा है जिसने अपना जीवन लगा के तमाम जीवन हर एक इस जीवन का पल इसी भावना से लगाया कि इंसान इंसान के नज़दीक आए जो नफरत की दीवारें हैं वो गिरनी चाहिए क्योंकि धर्म जोड़ने का नाम है धर्म तोड़ने का नाम नहीं। आज का कवि दरबार दास ममतामयी राजमाता जी से शुरू कर रहा है। निगाह दिल को आज अपने पुरज अनवार करना है तमन्ना उम्र भर की बस तेरा दीदार करना है। के जुथे दूई दा सेक ना पहुंच सके मेरे मुर्शिद एक स्वर्ग तैयार करना है। जिथे दूई दा सेक ना पहुंच सके परवाना जी मेरे मुर्शिद एक स्वर्ग तैयार करना है। करदा जा रहा है करी जाएगा भी कम संत दा चुकी मिशन नवे मोड़ ते मुड़ रहा है अगो सोनिया सुख वरताई रखी बाग डोर है मिशन दी हथ तेरे हुन सुखां दी राह विखाई रखी पिछे पिछे ही आप दे चले चलिए सानू अपनी राह चलाई रखी। संतों का समागम करने से निज घर में वासा होता है पर साथ संगत आज ये संत महात्मा दुनिया को एक सत्य की आवाज दे रहे हैं। रहमत सतगुर की हुई ये निरंकार मिला हर तरफ से मुझे तो अनोखा प्यार मिला। ये हवा चलती रहती है कभी गर्म होती है कभी ठंडी होती है रब्बी लोग अपना इश्क नहीं छोड़ते अपना ईमान नहीं छोड़ते। शहंशाह बाबा अवतार सिंह साहब ने कहा था ऐसी हवा चलेगी तुम लोग छांटे जाओगे छांटे जाओगे पुणे जाओगे तो इश्क पर खा जाएगा लेकिन फिर कुछ देर के बाद ही ऐसी हवा आएगी आप सभी इकट्ठे हो जाओगे। सच सच होता है सात संगत झूठ झूठ होता है सच फैलेगा सच बढ़ेगा आप सच्चाई वाले लोग हो अपने मिशन पर कायम रहना है अपने इश्क पर कायम रहना है।
बाद तेरा दर रहे और इस दर पे झुका और इस दर पे झुका हर घड़ी ये सर रहे। ये संसार तो आने जाने वाली चीज है, कभी रहने वाला इंसान रहता नहीं। वही जिंदा होता है जिसके असूल जिंदा होते हैं, वही कौम जिंदा रहती है जिसके सिद्धांत जिंदा होते हैं, जिसके साथ संगत प्रिंसिपल होते हैं। चरणों में पूज्य रात माता जी और माता जी के चरणों में शासन कैनेडा के साहब महापुरुषों की तरफ से दंडकार और नमस्कार पेश करेगा। जो भी सत्संगत देश इस देश विच या विदेशों विच बैठे हाँ, सत्संगत सतगुरु बाबा जी दे हर बचन नू अपने जीवन विच अपनाइए। इस निरंकार ने सामने हमारे हम जिंस खड़ा कर दिया सतगुरु को कि आप इसकी तरफ देखें, इसकी तरफ देखते रहें, ये अपने आप दुनिया जो अतिथि चली आएगी। वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपना 36वां वार्षिक संत समागम मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर दास हजूर बाबा जी तथा संत निरंकारी मंडल की समस्त अधिकारियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। सदगुरु महाराज कहते हैं वो शाबाश योग्य है जिन्होंने गुरु से मिलकर के एक परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जानवरों में शेर को सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि उसका दिल शेर होता है, ताकत बहुत होती है। ऐसे ही जो महापुरुष होता है उसका दिल परोपकार के लिए शेर होता है, दूसरे की भलाई के लिए शेर होता है। और इंसानों में ब्रह्मज्ञानी को सबसे उत्तम माना गया है जिसको पार ब्रह्म का ज्ञान होता है। और ब्रह्मज्ञानी की जो पहली अवस्था होती है एक गुरसिख होती है जो इस समय हम सब सतगुरु के चरणों में विराजमान हैं। और जो सतगुरु कहे अगर उसे हम मान लें तो उसके बाद सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन हमारे अंदर कमी होती है। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहते ये भी नहीं कि हम ये सब ना करें, लेकिन फिर भी अनजाने जाने अनजाने में हमसे कई बार गलतियां होती हैं। ऐसे सेवा का ही ले लीजिए, संगत का लीजिए, सिमरन का लीजिए, तो आप देखेंगे कि सब में कहीं ना कहीं किसी के किसी रूप में कुछ ना कुछ कमी होती है। अपने बन सकते हैं सारे ज्ञान हो किरदार हो, अपने बन...
बन सकते हैं सारे, ज्ञान हो किरदार हो। घृणा को खत्म करना है, नफरत को खत्म करना है, ये नर पूजा नारायण पूजा हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य हो तभी सार्थक होगा। ज्ञान से पहले हमारे कपड़े रंगदार थे, ये सार संगत गर्दा वर्दा नजर नहीं आता था, लेकिन अगर अब कुछ ऐसा हो गया तो दूर से ही सफेद कपड़ा अपने आप बोल उठेगा, मेरे पे गंदगी है। सो साथ संगत बख्शिश करो कि अब ऐसा अगर ये जीवन बना दिया है सच्चे बादशाह ने, हमारी ऐसी सोच बना दी है, सो साथ संगत हम सबका सत्कार करते जाएं और तो सरबत के भले की कामना करते जाएं। नाच तेरे बाबा बन्ना जो खलो गया कटने सिमल जीता लख दाओ गया। ज्ञान और कर्म जीवन रथ के दो पहिए हैं, दोनों का एक सार होना जरूरी है। मैं मनिया बंदा बंदे तो आज बंदा खांदा खार भी है, है दुनिया सारी मतलब दी सौ दुश्मन भी सौ यार भी है। है दुनिया सारी मतलब दी सौ दुश्मन भी सौ यार भी है। सब बड़े ने क्यों बहस करा जो भी आखन स्वीकार भी है, हर कोई अपना बन सकता है जे ज्ञान भी है किरदार भी है। संत का रुतबा भी मिल सकता है, संत का रुतबा भी मिल सकता है जे सिदक भी है इतवार भी है, हर कोई अपना बन सकता है जे ज्ञान भी है किरदार भी है। दिल में हो उन सब का जज्बा, जहन में हो खिदमत की लगन, हर एक अपना हो सकता है ज्ञान भी हो किरदार भी हो। कुर्सी का वरदान करे भी दावा खाली जा नहीं सकता, गुरु रूप ही मन के उस दाजे की ताकत का हर भी है। संगत दास आपके चरणों में ये निवेदन करना चाह रहा है, आज का नौजवान किस तरह से सोच रहा है, उसका आज के संदर्भ में क्या चरित्र बना हुआ है, और भक्ति मार्ग का नौजवान के जीवन में क्या स्थान है। सतगुरु भी मौजूद है साकार रूप में और निराकार भी है, जिनको इसकी मौजूदगी का एहसास है वो गलत रास्ते पे नहीं जाते, और जो इसको एहसास नहीं करते उन्हें साथ संगत कोई रोक नहीं सकता। सतगुरु का कर्म ही दुनिया में ये होता है कि वो हमें इस बात का एहसास करवा देता है कि ये तुम्हारे साथ है, इसको देखो, इसकी तरफ बढ़ो। तेरे दर से यही सभी महापुरुष सत्य एकत्रित हुए हैं, ये केवल यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अनेकता होने के बावजूद किस तरह से प्रांतों भाषा पहरावा अलग अलग होने के बावजूद संत महापुरुष एक दूसरे को अपना रहे हैं, एक दूसरे को खिलाकर खुश हो रहे हैं,